सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एस पी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, वी हैव डन 401 सब्सक्राइबर्स, एज सून एज पॉसिबल वी कैन डन 1000। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर प्लेस्ड एट पोजीशन आर वेक्टर इज। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों। एक्चुअली ये बायो सावर्ट लो है, और बायो सावर्ट लो का जो वेक्टर फॉर्म है वो मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो बच्चों। तो या तो वो फॉर्मूला हो सकता है म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ओके, अगर आप डी एल क्रॉस आर करते हो बच्चों, तो नीचे क्या आता है बच्चों, आर क्यूब आता है। ओके, और अगर आप डी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब रखोगे, और एक माइनस का साइन है बच्चों। ओके, लेकिन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है बच्चों, एट द ओरिजिन। तो एट द ओरिजिन लोगे डी एल क्रॉस आर, तो ये एक तो आ सकता है माइनस, अगर आर क्रॉस डी एल लिखोगे तो वो आएगा प्लस में, और डी एल क्रॉस आर लिखोगे तो वो किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। तो आर क्रॉस डी एल करोगे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आएगा पॉजिटिव, और डी एल क्रॉस आर करोगे तो वो आएगा नेगेटिव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ज़्यादा बच्चों, ये मैंने नोट्स में भी करा रखा है सवाल, आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जाके। ए सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर ए बी सी डी ऑफ सेंटर ओ विद एंगल ए ओ सी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री बच्चों, तो ये 300 डिग्री हो गया। इफ बी वन बी टू आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द करंट इन ए बी सी एंड ए डी सी, दिस इज द ए बी सी एंड दिस इज द ए डी सी। ओके, रेस्पेक्टिव दे द रेशियो ऑफ बी वन एंड बी टू। आपको बता रखा है बच्चों, किसी भी एक पॉइंट से अगर आप यू जा रहे हो, एक्स एक्सड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड एज करंट विल बी डिवाइडेड, तो बच्चों आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1 आता है। ये मैंने पहले भी लेक्चर में पढ़ा रखा है, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कल हो चाहे कुछ भी हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आएगा बच्चों, वो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स पे कितना आएगा, तो 1:1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। फिर आता बच्चों, ए लॉन्ग सोलेनाइड इज फैब्रिकेटेड टू क्लोजली वाइंडिंग वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm ओवर अ सिलेंड्रिकल फ्रेम सो दैट द सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। ओके, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज़ अ स्मॉल, उस स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, सो आपको दे रखा है कि एन इंटू टू आर जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, एल के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से एन बाई एल का रेशियो निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 आर के। तो यहाँ पे एन बाई एल रखोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करोगे, म्यू नोट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, आई दे रखा आपको 5 × 10⁻³, और ये हो जाएगा बच्चों 2 × 0.5 mm का। अगर आप 10⁻³ लिखोगे तो ऊपर जाके वो +3 हो जाएगा। इनको वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 2π × 10⁻³। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी सो दैट द प्लेन ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब थीटा 90 दे रखा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग, बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स लगता है किसी भी कनेक्टिंग वायर पर, वो होता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। थीटा 90 दे रखा है तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा आई एल बी के इक्वल, जहाँ एल जो होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है, और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कौन सी बच्चों, इसका डायमीटर। देखो ये इफेक्टिव लेंथ है, ये सर्कुलर पार्ट का डायमीटर हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 आर। तो आई एल की जगह आपने रख दिया 2 आर, और इसकी जगह रख दिया बी, तो आंसर आ गया 2BIR, मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर, द पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 पर जा रहा हो, या इसका मतलब या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हो पैरेलल, या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो मतलब एंटी पैरेलल, तो उस पोजीशन में उस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बच्चों, और वो जो पार्टिकल होगा वो बिना डेविएशन के सीधा चला जाएगा। इसका मतलब उसकी जो पाथ होगा उस पार्टिकल का वो कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A particle of charge Q and mass m starts moving from the origin under the action of an electric field E vector which is equal to E I cap and the magnetic field B vector which is equal to B I cap with a velocity V vector which is equal to V naught J cap. Then the speed of the particle will become 2 V naught after a time. Okay, time निकालना है आपको. अब बच्चों V जो है वो parallel है B के, और parallel जब होगा आपको पता है कोई magnetic force नहीं लगेगा. Okay, इस पोजीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, वो कितना आएगा बच्चों, क्यू इंटू ई होता है. किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा बच्चों, क्यू इंटू ई. अगर यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे तो ए एम का डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा क्यू ई बाई एम. अब वी एन तो बच्चों जीरो हो गया, तो सिंस स्पीड जो होगा वो टू वी नोट जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, जो कि कॉन्स्टेंट होगा. वो किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू नोट के. तो 2v0 डैश निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट i कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस j कैप के मल्टीपल का स्क्वायर. इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4v0 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो vx जो हो जाएगा बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ux प्लस at. ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दिया आपने, इसकी वैल्यू पुट कर दी रूट 3v0 और ये आपके पास qe बाय m इनटू t आ जाएगा. ओके, बिकॉज ux तो जीरो हो जाएगा बच्चों, a की जगह आपने रख दिया qe बाय m इंटू टी. यहाँ से टी निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, रूट थ्री वी नॉट एम डिवाइडेड बाई क्यू ई. ओके, आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो बच्चों, एक दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे अगर आप डायमेंशन से इसको चेक करोगे. तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलेटेड बाई ए मैग्नेटिक फील्ड. सही है बच्चों, चार्ज पार्टिकल एक्सेलेट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में. स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी चेंज बाई मैग्नेटिक फील्ड. नो, स्पीड चेंज नहीं करता बच्चों. ए करंट लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एक्सपीरियंस जीरो फोर्स. नहीं, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, फोर्स हो भी सकता है. वन एंड थ्री नहीं, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर वन. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. यह है क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का. तो एक इंसुलेटिंग रोड दे रखी जिसकी लेंथ एल है, वो चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर. तो द रोड इज पाइवोटेड एट एन एंड एंड रोटेटरी एट फ्रिक्वेंसी एफ अबाउट अ फिक्स परपेंडिकुलर एक्सिस. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, आई इंटू ए होता है. ओके, आई निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए चार्ज. ओके, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लेमडा है, जिसको आप लेमडा से डिनोट करते हो बच्चों. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको. तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लेमडा एल डी एक्स के इक्वल आ जाएगा. आई जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी. वो वन अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, फ्रिक्वेंसी के इक्वल आता है. ओके, वन अपॉन टी जो आता है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी होती है. तो आप इंटीग्रेशन करोगे डी एम का तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू एफ इंटू एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू एक्स. यहाँ पे डी एक्स का एक एलिमेंट लिया है आपने, डी एक्स लेंथ का, जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे है. ओके, तो डी एम का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट लगा दोगे जीरो से क्यू तक, इसकी डी क्यू की वैल्यू रख दोगे बच्चों, लेमडा डी एक्स, ये आ गया लेमडा एक्स. इसकी इंटीग्रेशन करके आप इजीली आंसर निकाल सकते क्यू बाई एल f पाई एल क्यूब बाई थ्री. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे. ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ l इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स, मतलब कैपिटल n टर्न्स, टू अचीव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट. बच्चों मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है बच्चों वो होने चाहिए मिनिमम, और जो एरिया जो होता है सर्कल का वो क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए. और एरिया जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सर्कल का सबसे मैक्सिमम होता है. ओके, तो एरिया सर्कुलर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कम होना चाहिए, मतलब मस्ट हैव जस्ट वन टर्न एंड वुड बी सर्कुलर इन शेप, मतलब ऑप्शन नंबर वन आ जाएगा. फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कर वाइल मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट. कर रॉन्ग ऑप्शन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज कर वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड. एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, आप जाके देख सकते हो उसको. तो एनसीईआरटी भी कवर करना जरूरी है नीट वाले बच्चों के लिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज कर्व बनाती है बच्चों, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाती है. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये आया हुआ है नीट 2017 या 18 में. एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई ऑलवेज द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना ऑन द मिडिल वायर बी. ओके बच्चों, अब एक्चुअली में है क्या, इस बी पर बताना है तो यहाँ पे एफ ए बाई फोर्स पर यूनिट लेंथ एक यहाँ पे लग रहा होगा, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लग रहा होगा बच्चों. ओके, और फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी. ओके, तो यहाँ पे आई वन आई टू तो दोनों इक्वल हैं, तो वो किसके इक्वल हो गया, आई स्क्वायर के डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू डी.
अब एफ नेट निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, आई केप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे केप के मल्टीपल का स्क्वायर, मतलब एफ ए बाई एल का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ सी बाई एल का स्क्वायर। तो ये रूट टू किसी के एक के बराबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर होंगे, एफ वन अपन एल, एफ टू बाई एल दोनों बराबर हैं। तो ये रूट टू एफ वन बाई एल आ गया, एफ वन बाई एल की वैल्यू रख दिया आपने म्यू नोट आई स्क्वायर अपॉन टू पाई डी, तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, म्यू नोट आई स्क्वायर अपॉन रूट टू पाई डी, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आता है बच्चों, ए लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ वायर इज फ्लेक्सिबल इट विल टेक द शेप ऑफ, बच्चों शेप उसी के लेगा जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कम और एरिया सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, और एरिया जो होता है सर्कुलर पार्ट का सबसे मैक्सिमम होता है। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा सवाल है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सी, ये इस ए बी सी का जो रेजिस्टेंस है इस डबल है किससे बच्चों, ए डी सी से, ये ए डी सी वाला पार्ट है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, आपको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। अब बच्चों इस वायर की वजह से तो जीरो होगा, इस वाले वायर की वजह से भी जीरो होगा, बिकॉज ये इसकी एक्सिस पे आ रहे हैं। इन दोनों को जीरो मत कर देना बच्चों डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखे हैं, तो ये ऐसा मत कर देना ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आपको इसको वन पार्ट मान लो, इसको टू पार्ट मान लो, तो आर ए बी सी जो है बच्चों वो ए डी सी के कंपेरिजन में कितना है, टू टाइम्स है। अगर इसका रेजिस्टेंस आर अपन कंसिडर करें तो इस ए बी सी का कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। इसका मतलब ये आर, ये टू आर है और ये आर है, इसका मतलब इसमें करंट जाएगी आई बाई थ्री, इसमें जाएगी टू आई बाई थ्री। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फंडा है, जाके देख सकते हो आप, मैंने पढ़ा रखा है करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बी वन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, पूरी म्यू नोट आई ओवर फोर आर, ये सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों, और इसकी वजह से बी टू कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई टू डिवाइडेड बाई फोर आर। बी नेट कितना आ जाएगा बच्चों, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा, बी नेट आ जाएगा बी टू माइनस बी वन, यहाँ पे म्यू नोट ओवर फोर आर, आई टू माइनस आई वन हो गया बच्चों। आई टू कितना हो गया, टू आई बाई थ्री माइनस आई बाई थ्री, तो कितना हो गया बच्चों, आई बाई थ्री। और एक्चुअली में बी टू जो बी वन से बड़ा है, बी टू की डायरेक्शन अगर आप देखोगे, आप बी टू की डायरेक्शन किस तरह आ रही है बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। इस देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अगर आप अपने फिंगर्स को कल करोगे तो अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड है। इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों डॉट, आ जाएगा म्यू नोट आई ओपन थ्री मल्टीप्लाई फोर करोगे तो ट्वेल्व आर, मतलब ऑप्शन नंबर वन। चलते बच्चों नेक्स्ट पे, द वैल्यू ऑफ आइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट आर इज जीरो। आर जीरो कब होगा बच्चों, जब इसको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ है बच्चों। वैल्यू ऑफ आई आपको निकालनी है ये कितना होगा। अगर यहाँ पे जीरो हो बच्चों तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी टू, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी वन, वो दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। इसके लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट इस 2.5 वाले के लिए, म्यू नोट आई, आई कितना दे रखा है 2.5 अपॉन 2 पाई, और डी कितना दे रखा है 5 मीटर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नोट आई, आई कितना है ये निकालना है आपको, डिवाइड बाय 2 पाई, डी कितना दे रखा है 2 मीटर। आप इसको सोल्व करोगे आई कितना आ जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर आ जाएगा। ओके, बिकॉज इस 2 को यहाँ पर म्यू नोट आई ओवर 2 पाई से, तो म्यू नोट आई ओवर 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2.2 को अगर 2 से करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से 5 कट के 1 आंसर आ जाएगा आपके पास, मतलब ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरेंज फोर्स जो कि इज गिवन बाय, लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी। अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो दोनों का मिक्सअप लगता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, उसी को लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस वी हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को, विच इज इक्वल्स टू द लोरेंज फोर्स, एंड द फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर प्लस वी क्रॉस बी वैक्टर, मतलब ऑप्शन नंबर वन। फिर आता है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन रोटेशन पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड, तो बी सेंटर किसके कोल होता है, म्यू नॉट आई ओवर टू आर। आई होता है बच्चों होता है क्यू बाई टी के, और वन बाई टी को आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो ये लिख दिया क्यू बाई क्यू इंटू एन। चार्ज दे रखा है आपको ई, तो ये लिख दिया ई एन, इसकी वैल्यू रखोगे आप आई की जगह एन ई, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट ओवर टू आर इंटू एन ई, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर आता बच्चों, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन ट्रांसफर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज 9 टाइम्स, ये कल मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल टू रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो आर जो है वो रूट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आपने 9 टाइम्स करा तो उसका रूट करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आता बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना है इसका, या आपको करंट कैरिंग सिस्टम दे रखा है इसकी वजह से। अब बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए के इक्वल होता है,
ओके अब आई तो आपको पता है, जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कैपिटल आई। एरिया आपको निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, अब देखो इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, एक तो रूट थ्री आर का लूप है और एक आर का लूप है, लेकिन दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा बच्चों, अलग अलग आएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी अलग अलग आएगा। तो रूट एम आई इंटू ए करोगे बच्चों, एक्चुअली मैं इसकी रेडियस की तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है जिसके लिए ऐसे एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई इंटू रेडियस कितने दे रखी बच्चों, रूट थ्री आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये आई इंटू ए कर दिया। माइनस करोगे इसकी रेडियस कितनी बच्चों, आर, तो ये रख दिया पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू आई, तो ये थ्री माइनस वन हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, टू इस टू से टू कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर आई, मतलब ऑप्शन नंबर वन। तो बच्चों ये एम्स में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन अ प्लेन एज शोन इन द फिगर इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज जीरो विद द वैल्यू ऑफ एल। ओके अब बच्चों देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है बाहर की तरफ, नहीं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है बच्चों, और इसमें भी क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है बच्चों, अंदर की तरफ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर की वजह से वो कितना आता है, म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू इंटू आई टू बाई एल आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू पाई एल वन बाई आर। ओके इस दोनों माइनस हो गए, बी नेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो एल किसके इक्वल आ गया, आई टू इंटू आर डिवाइड बाई पाई एल वन, इसको आप सॉल्व करोगे तो। ओके इसकी वजह से देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। ओके और टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, जीरो है, इसका मतलब दोनों बराबर और अपोजिट होनी चाहिए तभी जीरो होगा एक्चुअली में। फिर आता बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ए लाइट स्क्वायर करंट कैरिंग लूप हैविंग साइड एल इज शोन इन द गिवन अरेंजमेंट, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट एज शोन, करंट फ्लोइंग इन ए स्क्वायर लूप इज एल। ओके फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास, इस मिनिमम वैल्यू ऑफ मास स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी ऑफ ब्लॉक टू पुट द स्क्वायर फ्रेम इन इक्विलिब्रियम। ओके अब बच्चों इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग टी हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये एम जी हो गया और ये म्यू हो गया, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, इस टेंशन टी के इक्वल है। ओके अब सुनो बच्चों, एक टेंशन टी यहाँ है, अब सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन टी यहाँ होगा, तो इसका मतलब टू टी किसके इक्वल हो गया, आई एल बी के। ओके यहाँ पे देखो कि यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो ये टू टी के इक्वल हो गया। टू टी किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, इसमें कंडक्टर में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई एल बी के। ओके तो टू टी इक्वल टू आई एल बी हो गया, टी की वैल्यू रख दिया आपने म्यू एम जी, तो टू म्यू एम जी आई एल बी के इक्वल हो गया। इसका मतलब एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, इस टू म्यू जी को आप ले जाओ नीचे, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, आई एल बी डिवाइडेड बाई टू म्यू जी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर आता बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट कंडक्टिंग रिंग्स ईच हैविंग करंट आई एन द डायरेक्शन शोन ऑन प्लेस कंसेंट्रेटली द सेम प्लेन, जिसकी रेडियस है बच्चों आर टू आर फोर आर एट आर, इसका मतलब जी पी बन रही है। तो आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड द कॉमन सेंटर ओ कितना आएगा। तो बच्चों सबके डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, सब में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सब ऐड हो जाएंगे। तो म्यूनोट आई ओवर टू आर, फिर म्यूनोट आई ओवर टू इंटू टू आर प्लस म्यूनोट आई इंटू टू इंटू फोर आर, ऐसा करते करते आप इन्फिनिटी तक जोड़ दोगे तो एक जी पी सीरीज दिखेगी। और जी पी के लिए क्या होता है बच्चों, ए अपॉन वन माइनस आर, ए क्या है फर्स्ट टर्म है ए, आर क्या होता है बच्चों इसका इसमें डिवाइड करोगे तो भी वन बाई टू आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो भी वन बाई टू आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो भी वन बाई टू आ रहा है, तो ये वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यूनोट आई ओवर टू आर इंटू टू आ जाएगा बच्चों, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यूनोट आई ओवर आर आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर वन आ जाएगा। चलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट पे, ये बच्चों बायो सावर्ट पे बेस्ड है। ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है शोन इन द फिगर, लेंथ ऑफ डायगनल इज इक्वल टू डी एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगनल इज थीटा, इफ द करंट फ्लोइंग इन द फ्रेम इज एल द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, वो आपको निकालना है कितना आएगा बच्चों। तो एक्चुअली में आप इसका एक पार्ट ऐसे मान सकते हो बच्चों, थीटा वन और थीटा टू से, तो वो कितना आता है म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई बाई आर साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू आता है। ओके अगर आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों थीटा वन थीटा टू, तो कितना हो जाएगा थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू हो जाएगा बच्चों अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, तो एक वायर की इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम आएगा, और इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम आएगा, मतलब इसको बी वन, ये बी वन है तो ये भी बी वन होगा, और ये बी टू है तो ये भी बी टू होगा, मतलब टोटल कितना हो गया टू बी वन प्लस टू बी टू हो गया। तो टू कॉमन लोगे तो आप क्या बचेगा टू बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर, ये बी वन की वैल्यू निकाल दी बच्चों और ये बी टू की वैल्यू निकाल दी, आप इन दोनों को वैल्यू पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर बी नोट आई डिवाइडेड बाई पाई डी साइन थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर
थर्ड, फिर चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 5√2 टाइम्स द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, अब आपको पता है बच्चों बी एक्सिस कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये पहले भी पढ़ रखा है अपने लेक्चर में, आके देख सकते हो। सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। मैंने डायरेक्टली ट्रिक भी बता रखी है बी सेंटर और बी एक्सिस की, आप उससे भी निकाल सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 से, या आप इन दोनों में बी सेंटर जो है वो 5√2 टाइम्स है बी एक्सिस का, तो बी सेंटर कितना होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। ये 5√2 टाइम हो गया, बी एक्सिस ये हो गया बच्चों, सबको काट पीट के आप सोल्व करोगे, एक्सिस किसके को आ जाएगा 2 आर के, आर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ओके तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, फिर कल इसी चैनल पे मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।